नर्मदा जिल्लाना केवड़िया खाते स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में परिसर में आवेला जंगल सफारी पार्क में सफेद मादा वाघ शक्ति ने लावामां आवता सफेद नर वाघ वीर ने नवी साथीदार मळी छे। ज्यारे सफेद वाघ वाघणनी जोड़ीथी प्रवासीओनुं नवुं आकर्षण मळशे। केवड़िया जंगल सफारी खाते पहलेथी ज वीर नामनो सफेद वाघ छे, ज्यारे हवे तेना साथीदार सफेद मादा वाघ शक्ति ने लावामां आवता प्रवासीओने सफेद वाघनी जोड़ीने निहाळवानो अनोखो लाभ मळशे। हम सब जानते हैं कि जो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड सरदार पटेल साहब की जो स्टैचू केवड़िया में बनी है, उसके आसपास बहुत सारे टूरिज्म के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से केवड़िया जो है आज विश्व पटल पे एक टूरिज्म हब बनके खड़ा हो रहा है। आज वाइट टाइग्रेस सफ़ेद वाघण जिसको हम कहते हैं, सफ़ेद वाघ जो है वो आज केवड़िया जंगल सफारी में लाया गया है और पब्लिक के लिए खुला रखा गया है। सफ़ेद वाघ वाघन जो हमारे पास यहाँ लाया गया है उसका नाम शक्ति है, और पहले से एक वाघ हमारे पास था जिसका नाम वीर है। तो आज एक नया अट्रैक्शन वीर और शक्ति की जोड़ी जो है वो आज जंगल सफारी में आई है। और जो जो वाइट टाइग्रेस शक्ति जो है वो इंद्रोड़ा पार्क गांधीनगर से लाई गई है, और खुशी की बात यह है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी सफारी पार्क्स की और जू की, उन्होंने एक ही दिन के अंदर हमको हमारे प्रपोजल पे ये परमिशन दिया इस वाइट टाइगर्स को शक्ति को यहाँ पे लाने के लिए। और यस, वीर और शक्ति की निश्चय ही जोड़ी बनेगी यहाँ पे, और भविष्य में जैसा मैंने कहा हम आशा करते हैं कि हमारे पास नन्ही किलकारियों के रूप में नए बच्चे भी आएंगे। वही देश में पहला वाइट टाइगर जो कह रहे हैं कि साइटिंग जो हुआ था मोहन का हुआ था, और उसके बाद में मोहन से ही धीरे 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 अलग अलग प्रजाति ये जो प्रजातियां हैं वाइट टाइगर्स की ये आनी शुरुआत हुई। और जैसे उनकी डेली मॉनिटरिंग होती है, उनका डेली हेल्थ चेकअप होता है, उसी प्रकार से शक्ति का भी डेली हेल्थ मॉनिटरिंग होगा, फूड उनका चेकअप होगा, कितना फूड वो रोज खा रही हैं, उनका हेल्थ मॉनिटरिंग सब चीज़ उनकी निगरानी रखी जाएंगी। और हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी शक्ति वीर के साथ में अपना पैर बनाएंगी और भविष्य के लिए कब्ज़ आने की संभावनाएं रहेंगी।